हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेस में आप सब करते हैं दिल से स्वागत है। दोस्तों, फ्रेंड्सों और मित्रों, आज के इस वीडियोस में मैं कक्षा 10 एनसीईआरटी फिजिक्स लेसन 2 प्रकाश के अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर रूबरू हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके हर तरह एग्जाम में पूछते हैं, ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इसका नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैंने जो क्वेश्चंस लाया है, बिना टाइम लिए आपको मैं रूबरू करा रहा हूँ। लेंस में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें, बार बार पूछता है। तो सबसे पहले एक वस्तु का फिगर बनाएंगे। वस्तु जो है 2F2 और अनंत के बीच रखेंगे, जिसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा, है ना। ऐसा फिगर आपको बना लेना है। आवर्धन का व्यंजक देखिए कैसे प्राप्त होता है, मैं बता रहा हूँ। जो फिगर बना उसके अनुसार हम लिखेंगे कि चित्र के अनुसार, आप चित्र पीछे देख चुके हैं, उसका डायरेक्ट डाटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कम समय में आपको समझा सकूँ। चित्र के अनुसार M जो है एक उत्तल लेंस है, जिसमें वह वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच रखी गई, मैंने बताया फिगर में, जिसका प्रतिबिंब IP जो है ना F2 तथा 2F2 के बीच बन रहा है। अब देखो, त्रिभुज BIP और तथा त्रिभुज AOP में देखिएगा गौर से, तो कोण I और कोण O 90 डिग्री है और BIPOP शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसा मैंने आपको लेंस सूत्र में भी बताया था। यदि ए समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनकी भुजाओं को हम समान अनुपात में लिख सकते हैं। तो इस त्रिभुज का IB लिया, देखिए IB, और इस त्रिभुज का OA, इसका फिर मैंने लिखा IP, तो इस त्रिभुज का OP। तो IB देखिएगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और OA देखिएगा तो वस्तु की ऊंचाई है। IP तो है वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी है ना, यहाँ V होगा और यहाँ U होगा, तो माइनस माइनस कट गया, तो M बराबर V/U, M बराबर क्या गया, V/U। यही जो है ना आवर्धन का व्यंजक है। अब देखिए आगे क्वेश्चंस में बताता हूँ कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन से आता है। तो लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी फोकस दूरी को जब हम उल्टा कर देते हैं तो जो प्राप्त होता है उसे लेंस की क्षमता कहते हैं, है ना, और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। अब लेंस की क्षमता बराबर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1/ फोकस दूरी, यानी P बराबर 1/L। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है मीटर इन्वर्स होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है D, ठीक है। P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, ओके, इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फोकस दूरी को बढ़ाएंगे तो क्षमता घटेगा, अगर फोकस दूरी को घटाएंगे तो क्षमता बढ़ेगा। इसलिए मैंने इस पॉइंट्स को नोट्स करा दिया है, यानी फोकस दूरी की बढ़ने पर क्षमता घटता है और फोकस दूरी घटने पर क्षमता बढ़ता है। अब देखिए, क्वेश्चंस परीक्षा में बार बार 2 नंबर का आ रहा है, उसको भी देख लीजिए। कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? तो ऐसे लेंस निकायों का उपयोग जो है ना सामान्यतः कैमरा के लेंस, सतह सूक्ष्मदर्शियों तथा दूरदर्शकों में किया जाता है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बताया, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, अन्यथा आपकी मर्जी। मस्त क्लासेज इसी तरह से आप लोग के लिए हर लेसन, हर पार्ट, हर चैप्टर का नोट्स उपलब्ध कराता रहेगा। शायद यूट्यूब में कोई भी आपको पूरी लेसन का नोट्स नहीं उपलब्ध कराएगा, मस्त क्लासेस लेकिन कराएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, सारे में आपको नोट्स मिलता रहेंगे। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होता है, बस आपकी एक लाइक की ज़रूरत होता है। मस्त क्लासेज आपको फ्री में पूर्ण तैयारी कराएगा, है ना। बस आप सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए दोस्त फ्रेंड्स मित्रों को बताइए इस चैनल के बारे में, और भी लोगों को जोड़िए। बस इतना ही मस्त क्लासेज के लिए काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा। तो आपको देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल टाइम। जय हिंद, जय भारत।